रोहित जी बस करो, जंपा को भी मार दी इसका। अरे बाबू काट दिया भाई, काट दिया भाई। एक तरफ कोहली के जाने का दुख और फिर रोहित शर्मा ने तो भाई दुखी होने ही नहीं दिया। दुखी नहीं लग रहा अब तो, मैं तो खुशी है, खुश हो गया भाई मैं तो। अरे खुशी आ गई भाई। बदला जी बदला, आज बदला लेके रहेंगे हम, लेके रहेंगे आज बदला। जैम्पे क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया। यार पापा, यार देखो अभी अफगानिस्तान के साथ जो हारी है ना ऑस्ट्रेलिया, इनका थोड़ा सा अभी साइकोलॉजिकल वो डाउन होगा ना, तो इस बार इंडिया का बहुत अच्छा मौका है जीतने का एक्चुअली। चल भाई कोहली, चलो आज करना है सिस्टम, तूने बर्बाद इनका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बदला, वर्ल्ड कप का बदला, और भी जाने कितने बदले आज लिया जाएगा। बदला बदला पूर होगा भैया आज। हाँ आज लिया जाएगा बदले का बदला। अरे भाई जीत जाना भाई, जीत जाना, आराम से खेलना भाई। इतनी लीची क्यों लाई मम्मी? ये देख चार तो तू ही ले गई। नहीं नहीं कहा, एक ही ली। अरे मम्मी, मम्मी कह रही इतनी लीचियां क्यों लाई तुमने? मुझे पता है भाई इस घर का हर सदस्य भाई लीचियां इतनी खाने लगे ना भाई, बहुत मीठी लीची आ रही है मार्केट में। कमेंट करना भाई अगर तुम लोगों को भी जहरीली लीची यू नो आ रही है भाई, हमारे यहाँ तो नोएडा में बहुत तगड़ी आ रही है। इस पे चौका ले लियो। अरे ले लिया भाई, डीआरएस ले लिया। अरे भाई आउट नहीं है भाई। रोहित आउट नहीं है भैया। नीचे। ओ बच गया। मुझे लगता है इंडिया अराउंड 180 अगर करेगी तो विद द बॉलिंग वी हैव दैट शुड बी इनफ। हां गुच्ची जी क्या लग रहा है, कोहली मारेगा आज की नहीं भाई? लेट्स सी यार कैसा है भाई। मैं तो डामाडोली कैसा लग रहा है हमेशा, जब भी कोहली यहाँ पे आ रहे हैं ना, डर ही लग रहा है मुझे तो। हाँ भाई थोड़ा सा फिजडी है अभी कोहली। ओह नाइस भाई, बट कोहली के साथ शर्मा तो है ना अभी, अगर शर्मा थोड़ा सा उसको सपोर्ट करेगा ना। प्रॉब्लम ऐसे है ना कि कुछ मैचेस दोनों ही जल्दी से आउट हो रहे हैं। नहीं जल्दी नहीं, लास्ट मैच में अच्छी पार्टनरशिप तो हो गई थी यार। कोहली का थोड़ा वाइड ऑफ द स्टंप करते हैं, ये ही बॉल डालते हैं भाई इसको, फर्स्ट स्लिप वहां पे रेडी रहती है। पापा आज कोहली की हाफ सेंचुरी तो पक्का है, क्या लगता है? पापा को कोहली पे इतना भरोसा नहीं है क्यों? आप इतना क्यों कोहली को आप इतना 10 इनिंग ऐसा तो नहीं, आईपीएल भी इतनी अच्छी गई है उसकी, और ये थोड़ा वर्ल्ड कप में अभी इतना एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेस नहीं हुई है, बट फिर भी खेल तो रहा है यार अच्छा, ऐसी बात नहीं है भाई। ये पापा की ओपिनियन है, मेरे को लगता है कोहली में भी 5 साल है। रोहित शर्मा थोड़ा इफी है भाई, रिटायर हो सकता है। आई थिंक मुझे लगता नहीं है रोहित शर्मा नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेल पाएगा, आई डोंट नो, यू नेवर नो। बट कोहली का तो मुझे पता है भाई, एक दो वर्ल्ड कप तो इजीली खेल ही जाएगा भाई। अबे यार पापा यार, हमने जो बोला हमें पता था यही होना है यार। कोहली यार, अरे पापा यार कैसे जस्टिफाई करूं कोहली को आपके सामने में? कैसे क्या हो गया? नहीं मुझे पता था भाई कोहली यार परफॉर्म नहीं कर रहा है, बात तो सही बोली आपने, बात तो सही गई है। नए लड़कों को लाओ यार, क्या कर रहे हो? ये साले इतने ऐसे हैं भाई, हमारे गेंस कोई कैसे छोड़ेंगे? हाँ। पिछले मैच में जो अफगानिस्तान का हुआ, इतने घटिया घटिया कैचेस हाँ भाई, कितने हमारे सारे पकड़े, उल्टा भाग के पकड़ेंगे, उल्टा भाग के पकड़ा जाएगा। यही तो चीज है भाई रोहित की, चाहे कुछ भी हो भाई रोहित अपनी नेचुरल गेम खेलता ही रहेगा भाई। मेरे को तो रोहित हमेशा से पसंद था भाई, कुछ भी हो फियरलेस क्रिकेट खेलता भाई रोहित जी। ये बात तो मैं भी मानता हूं, मेरे को तो रोहित ही पसंद था। आप पता नहीं मेरे को क्यों बोल रहे थे कि मुझे विराट पसंद है इतना। नहीं दल बदल लिया मैंने, बदलू इंसान। नहीं यार टाइमिंग के मामले में रोहित, मैं तो हमेशा कहता हूं भाई कोई मुकाबला नहीं है। क्या रोहित एक और छक्का मारेगा? अरे नहीं गएगा, पीछे गया, पीछे गया, छक्का 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 भाई। ये सूतिया भाई, स्टार को सूतिया जोर में 30 रन मार दिए भाई, 4 6 24 29 रन। भाई एक तरफ कोहली के जाने का दुख और फिर रोहित शर्मा ने तो भाई दुखी होने ही नहीं दिया, दुखी नहीं लग रहा अब तो, मैं तो खुशी है, खुश हो गया भाई मैं तो। अरे खुशी आ गई भाई। अरे बॉल छत पे मार दी इस रोहित ने। ले ओ भाई पनौती लग गई, पनौती भाई जिस फॉर्म में रोहित चल रहा है अभी भाई, बारिश मतलब बारिश भी शायद पासिंग ही हो रही है, बोल रही नहीं नहीं हमें भी आपकी बैटिंग देखनी है। जब तक थोड़ी सी रेन डिले चल रहा है, पापा का मन कर गया है मटन चाप खाने का, तो तुम्हारे भाई ने मैरिनेट प्रिपेयर किया है, थोड़ा दही जिंजर गार्लिक पेस्ट गरम मसाले नमक और अपना चिकन मसाला
मटन वाला नहीं था। आज को ना तवा स्टाइल करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, समझ रहे हो, एकदम उसमें एयर फ्रायर में नहीं, थोड़ा सा तवे पे करेंगे। रोहित शर्मा जी टेक अबाउ भाई, आज कमाल परफॉर्मेंस है, कमाल परफॉर्मेंस। स्कोर 53, रोहित शर्मा के 50 है भाई इसमें। अरे रोहित जी बस करो, जंपा को भी मार दी इसका। अरे बाबू काट दिया भाई, काट दिया, जंपा को भी काट दिया। मैं जानता नहीं भाई ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है भाई, कौन हो भाई तुम, कौन हो तुम? अरे मैं तो पागल हो गया भाई। अरे भाई यही तो ड्रीम था, मार एक और मार, और अरे अरे मार दिस, अरे एक और छक्का मार दिस, अरे छक्का छक्का मार रहे भाई। अरे रोहित क्या कर रहे भाई, अरे भाई क्या कर रहे, अरे मर जाएंगे भाई ये लोग तो। नो प्रॉब्लम रोहित भाई, सलाम है भाई तुमको, ये मैच हमारा है भैया, कोई नहीं भाई, किसी में इतना गूदा नहीं, ये मैच हाँ भाई। ऑस्ट्रेलियंस भी ताली बजा रहे हैं, रिंकू सिंह ताली बजा रहे हैं भैया, भाई मजा आ गया क्या ही नहीं, मतलब दिस वाज अ प्रिविलेज भाई, दिस वाज एन ऑनर। जो लोग देख रहे थे भाई बता देना, आप भी, आप लोग ब्लॉग तो नेक्स्ट डे आ रहा है, मजा आया ना भाई, जो वो आवाज आती ना रोहित के बैट से, वो किसी और के बैट से ऐसी आवाज आती नहीं है भाई, वो टाइमिंग। मेरे हिसाब से स्कोर वुड बी अराउंड 220-225 हो जाना चाहिए, विद पांड्या विद जड्डू कमिंग, लगता है मेरे को। कहाँ पहुंचा मम्मी, ओ हो हो ये तो जहरीला लग रहा है यार, अरे वाह। आज पापा का बड़ा ही, आज मटन का आपका क्या मन हो गया आज, छक्का मार दिया। अरे भाई मैं एक सेकंड के लिए निकलता हूँ, एक छक्का और बढ़ जाता है। किसने मारा, सूर्या दुबे भाई, दुबे को भी कॉन्फिडेंस मिल गई है आज यार। चल शाबाश शाबाश पांडू। अरे भाई ये लास्ट ओवर कमिंस ने ना थोड़ा पकड़ लिया भाई, थोड़ा सा तो हो गया भाई एंड में, मतलब 20-30 रन का, 20 रन 25 रन कम हो गए यार, पता नहीं थोड़ा मोमेंटम डाइट डाउन हो गया थोड़ा सा। ओए एक छक्का पड़ गया, लेकिन एक छक्का पड़ गया जड्डू, चलो भाई 200 पार। दिल तो कह रहा है कि इंडिया जीतेगी, बट पिच काफी अच्छी है और हवा बहुत चल रही है, तो थोड़ा सा छक्का ऐसे भी मारोगे ना तो काफी दूर जाता है, बट मेरे हिसाब से भाई आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट 80% तो इंडिया का ही लग रहा है भाई चांस, अब रियलिस्टिकली देखा जाए। ओह भाई इंडिया आने का जो ये इन इस सीजन में जो मजा है ना भाई, आम भी एकदम पीक लेवल की मीठी, लीची तो भैया मैं क्या ही बोलूं, और साइज देखो भाई लीची का, साइज देखो भैया। ओ पापा आपको अलाउड नहीं है, पापा क्या कर रहे हो, मीठा अलाउड नहीं है आपको इतना रात को। देखो देखो, अरे भाई पूरा ही खत्म, एक बाइट में ही खत्म। रोहित शर्मा जी बोलते हुए, देख रहे हो भैया मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम लोगों को करना है अपना काम, समझ रहे हो भाई। अभी बूम 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 रहा है भैया, रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी हर्षदीप। और ओपनिंग तो यही करेगा हर्षदीप, गॉन बेबी गॉन, गॉन वार्नर गॉन गॉन, एकदम टच इरिटेटिंग लाइन डाली थी बंदे ने भाई, मजा आ गया। ओ भाई ये ट्रेविस हेड थोड़ा डेंजरस लग रहा है, दो चांसेस थे यार, एक इसको आउट करने का भी था, जीतेंगे हम ही भाई, टेंशन मत लो, डोंट वरी, टेंशन हो रही है, देख तो चुके हो मैच तुम ऑलरेडी, जीत गए ना, पता था मेरे को, मेरू फ्रॉम द पास्ट इज टॉकिंग टू द फ्यूचर पीपल। गुच्ची जी भी सो गए, मम्मी भी सो गई हैं, सिर्फ पापा और मैं ही हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग। मेरे को याद है हमारी कॉलोनी में सरोजनगर में रहते थे, तो वहाँ पे टूर्नामेंट्स होते थे, तो पापा तो वहाँ पे एम्पायर बनते थे, है याद है आपको भाई, तुम्हारा भाई तो क्या बताऊँ भाई, छः छक्के हैं याद है आपको बाबा, पर भाई ने एक टूर्नामेंट में 6 छक्के लगातार मारे थे भाई, 6 छक्के, ओहो इतनी तारीफ कैसे करूँ भाई खुद से, बड़ा पापा को भी बहुत शौक है भाई क्रिकेट का, क्रिकेट का मतलब एक पूरे वो एनालिटिकल वे से देखते हैं पापा पूरा, कोहली से ज्यादा बनती नहीं है पापा की, कोहली मेरा फेवरेट है। छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, पापा तो चले गए, पापा है, अरे भाई पापा को लग रहा है कि संकट में आ गए भाई हम, फिर हर बार की तरह तुम्हारा भाई अकेला, सब लोग सो गए भाई, हम ट्रस्ट करते हैं इंडिया पे, इंडियन क्रिकेट टीम पे तुम्हारे भाई को ट्रस्ट है भाई, हर टाइम हम हारते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद वो जख्म भर जाता है और तुम्हारा भाई फिर शुरू करता है, अप्रिशिएट करना, एक बार जीत जाओ भाई, एक बार वर्ल्ड कप जीत जाओ भाई, एक बार भाई 20 T20 जीत जाओ भाई, कुछ तो भाई रख लो भाई, कुछ तो इज्जत रख लो भैया। सच बताऊं तुम्हें तो भाई जब से
50 ओवर वाला हम हारे हैं ना यार, तब से मेरे को ना पता है बहुत ही मतलब वो हम इतने स्ट्रांग निकले थे वो टीम उस टाइम पे, और भाई मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई हम हार पाएंगे। वो हारने के बाद ना यार कसम से दिल ना पूरा टूट गया भाई। अब ना मतलब बिखरा हुआ है और थोड़ा सा जुड़ रहा है, लेकिन क्या बताऊँ भाई, समझ सकते हो ना जो लोगों ने देखी है वो पूरी वर्ल्ड कप की सीरीज। चलो भाई कुलदीप यादव आ गया भाई, अक्षर पटेल कैच ऑफ द सेंचुरी, कैच ऑफ द सेंचुरी भाई। ये तो मारे ही जा रहे हैं भाई, विकेट गिरने के बाद भी रुके नहीं भाई ये तो। ये मैक्सवेल तो पागल हो गया भाई आते ही। भाई मैक्सी को आउट कर दिया, भाई मैक्सी को आउट कर दिया कुलदीप ने भाई, जान में जान आ गई। स्टोइनिस बेचारा तो मुझे पता ही था भाई, इंडिया के साथ उसकी बनती नहीं है बिल्कुल भी, ये बेचारा खेल ही नहीं पाता भाई इंडिया के साथ, हमेशा आउट जाता है, रिवर्स भी कर रहा था आते ही। थोड़ी घबराहट हो रही थी, अब थोड़ा ब्लड प्रेशर थोड़ा काम हो गया भाई। स्पिनर्स है भाई आज जी, अच्छा हो भाई दो स्पिनर खिलाए थे भाई, मेरे को थोड़ा इफी लगा था स्टार्टिंग में, अब समझ आया भाई। ट्रेविस हैड गॉन एंड द गेम इज आवर्स, बस भाई मुझे बस इसका वेट था, अब ना जीती ऑस्ट्रेलिया। चलो भैया सेम लाइक रोहित शर्मा भाई, सामने से विकेटें गिर रही थी भाई, लेकिन बंदे ने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया, मोमेंटम वही देता रहा भाई ये इस, लेकिन प्रेशर थोड़ा आ गया भाई, स्कोर थोड़ा हाई था हमारा, तो भाई रोहित ने ही लिया भाई, कंप्लीट हो गया भाई पूरा सर्कल, हो गई भाई गेम ओवर। 7 विकेट चली गई, 166 for 7 एंड वी हैव एंटर्ड द सेमीफाइनल्स। चलो भाई मैं तो चाहता हूँ अफगानिस्तान इस ग्रुप से भी आ जाए, ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दो, काट ही दो ऑस्ट्रेलिया को। अभी अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच भी है शायद, तो अफगानिस्तान को मैं छक्के छक्के मारो, अफगानिस्तान हरा दो, निकाल दो बाहर ऑस्ट्रेलिया को भैया, क्या रखा है ज्यादा बोल दिया क्या। तो चलो भाई रखता हूँ, सब लोग सो गए हैं भाई, आवाज़ें आ रही है, शायद मेरे नेबर भी ना नॉक कर रहे हैं, तो आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। टाइम क्या हुआ भाई, 12 बज गए भाई, तो हाँ मज़ा आ गया भाई, बहुत खुशी मिली कि वर्ल्ड कप का बदला पूरा हुआ, फिर भी अभी इतना पूरा नहीं हुआ, यू नो T20 है, बट स्टिल भाई ठीक है, आई डोंट कंप्लेन, क्योंकि भाई हम जानते हैं यू नो आप और मैं, हम जानते हैं कि कितना दुख हुआ था भाई हमको वो टाइम पे, बट हाँ इट फील्स गुड नाउ, बट यू नो आई थिंक तभी ये घाव हमारा भरेगा जब विल यू नो गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। एक ट्रॉफी तो चाहिए भाई, कितना टाइम हो गया है यार, तो चलो फिंगर्स क्रॉस्ड, मिलते रहेंगे भाई कोई इंपॉर्टेंट मैचेस पे, सेमीफाइनल में तो मुलाकात होगी, फिर आऊँगा व्लॉग बनाने, तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक नए व्लॉग पे, गुड बाय फ्रॉम मेरू, गुड नाइट रादर। चलो भैया bitch I get how to cope with it, those dope perks and Vicodins, the vice is always striking again, hey hey safe to say